लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सपा में बगावत शुरू हो गई है। जहां करीब 2 साल पहले सपा में शामिल हुए लखीमपुर के कद्दावर नेता ज्ञान वाजपेयी, सपा नेत्री पारुल गुप्ता के साथ साथ सपा के कई कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन छोड़ दिया है। जहां ज्ञान वाजपेयी की पुत्रवधू लता वाजपेयी और सपा नेत्री पारुल गुप्ता को नगर पालिका अध्यक्ष पद का टिकट न मिलने पर आहत होकर ज्ञान आज 16 अप्रैल को सपा का दामन छोड़ दिया है। ज्ञान वाजपेयी अपनी पुत्रवधू लता वाजपेयी के लिए सपा से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांग रहे थे, जिनको सपा से टिकट ना मिलने पर ज्ञान वाजपेयी से सपा का दामन छोड़ दिया है। साथ ही सपा नेत्री पारू गुप्ता भी सपा से नगर पालिका अध्यक्ष पद का टिकट भी मांग कर रही थी, लेकिन पारुल गुप्ता होगी सपा से टिकट नहीं मिला, जिससे आहत होकर पारुल गुप्ता ने भी सपा का दामन छोड़ दिया है। उनकी तो इन लोगों को इग्नोर करके और हमको अपने बीच से हटा के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ ज्वाइन किए, उसके पर उसकी उन्होंने अपनी निष्ठा व्यक्त की है कि ये सबसे निष्ठावान हमारा कार्यकर्ता है। आज हम ज्ञान प्रकाश वाजपेयी समाजवादी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पारुल जी महिला सभा की 15 साल से महासचिव, तृप्ति अवस्थी जी है नहीं बीच में आप लोगों के साथ वो बैठेंगे, आकाश गुप्ता जी जो व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष हैं, विनय मिश्रा जी जो प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष हैं, इमरान भाई लोहिया वाहिनी के हैं, सईद भाई हमारे बैठे हुए हैं आपके पीछे, ये तो इतने सब लोगों ने और हम अपनी पुत्रवधू को आज समाजवादी पार्टी से मुक्त करते हैं, अपने आप को अपनी पुत्रवधू लता वाजपेयी को पारुल गुप्ता जी की तरफ से, आकाश और विनय इमरान सबकी तरफ से हम लोग आज समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता और सक्रिय सदस्यता से अपना त्याग करते हैं।